नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल पेपर 2015 का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से देखें, जिसमें एक से लेकर 16 तक के शुरू के क्वेश्चंस जो कि बेसिक कंसेप्ट पे आधारित थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, चलिए आप देख सकते हैं आपके सामने एक से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस हैं और हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है इलेक्ट्रिकल, मैंने बोला है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर है जो कि हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और हम लोग इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये दिया गया है पूरा पार्ट। और ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी है 100, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 100 दी गई है और इसमें 100 मिली दी है ना, मिली हेनरी, और आपको करंट जो दिया गया है ये दिया गया आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे बोला गया है इसमें ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एनर्जी अगर हमें फाइंड करना है तो एनर्जी का फॉर्मूला है E=12LI²। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे और ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 1/2 एल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 100 दी गई है, 100 और मिली हेनरी है ना, मिली हेनरी के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है, और एच की वैल्यू आई की वैल्यू आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो आप 2 को 100 से काट देंगे यानी क्या 50 मिली हेनरी। कितना आएगा आपको 50 मिली हेनरी, इसको आप लिख सकते हैं 0.05 हेनरी, तो 0.05 जूल हो जाएगा ये ना, इसका मात्रक इसके केस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू, पी और क्यू के बीच आपको ओवरऑल क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सीरीज पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको, जैसे यहाँ पर पी और क्यू के बीच फाइंड करना है आपको पी और क्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए पी और क्यू, आप यहाँ पे देखिए 1 और 1 ये आपका सीरीज़ हो गया तो 2 हो गया, और 2 और 2 पैरेलल हो जाएगा तो आपका आएगा, देखिए आपका 2 हो गया और 2 और 2 पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हो गया 1, और फिर ये इसके सीरीज में आया 1। ठीक है, और फिर इसके पैरेलल में हो गया आपका 2, तो ओवरऑल कितना हुआ आपका, ये पूरा पोर्शन एक ही है, 1 और 1 2 हो गया और 2 और 2 पैरेलल कर दिया यानी कि 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 1 ओम दिस इज आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो पहले वाले में आपको पता है डी ऑप्शन था 0.05 जूल और अगले वाले में हो गया आपका 1 ओम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट इज 4 हेनरी, इंडक्टेंस इज 2 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो हमें इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। देखिए आपका ये एक इंडक्टेंस दिया गया है जिसमें 4 हेनरी है और इसमें आपका जो करंट दिया गया है इसकी दर दे दी गई है 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे बोला गया भैया वोल्टेज इसके अक्रॉस बताइए, तो आपको अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, V=2 नॉर्मल फॉर्मूला है LdIdt। तो L की वैल्यू आपको पता है कितना है 4, DiDt देखिए एम्पियर पर सेकेंड है, ये आपको दिया 4 × 2, दैट मीन्स आपका आ गया 8 वोल्ट। दिस इज आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे नोट करते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी कंसेप्ट पे बेस है, बस इसमें वोल्टेज डिवाइडर हम लोग लगाएंगे ऐसे ही है। तो नियम क्या है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे नियम क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपका एक वोल्टेज सोर्स ये दिया गया है, एक वोल्टेज सोर्स ये दिया गया है, बीच में भी ये दिया, हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक करंट आपका इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा और एक करंट ऐसे में जाएगा, यही होगा सर्किट में। तो नोडल लगाना है आपको, क्योंकि नोडल वोल्टेज पूछा है, नोड वोल्टेज पूछा है तो नोडल लगा देंगे। तो नोडल सिंपल है, क्या करेंगे आप, BA-12 upon 1 plus BA-6 upon 1, ठीक है, प्लस BA upon 1 = 0, ये वोल्टेज डिवाइडर लगाया मैंने। ठीक है,
ठीक है ना। तो जिनको वोल्टेज डिवाइडर आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो वोल्टेज डिवाइडर का मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बी ए, सेकेंड बी ए और थर्ड बी ए कितने हो गए, 3 BA, ठीक है। और -12 -6 -18 इक्वस टू 0, 18 आप उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। और आप डिवाइड करेंगे 18/3 करेंगे तो बी इक्वस टू 6, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सभी को अच्छी को समझ में आया, जैसे ऑप्शन बी किस में सही था, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी रिड्यूस बाय हाफ द करंट विल बी, तो आपको पता है कि कोई भी जो प्योर इंडक्टिव सर्किट दिया है इसके अक्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्सएल, और एक्सएल का मीन्स क्या होता है आपका, आई इंटू एक्सएल मीन्स होता है ओमेगा एल। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर फ्रिक्वेंसी हाफ करते तो करंट क्या होगा, इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी है ना, ये वोल्टेज है, तो आई इक्वस टू बी अपॉन ओमेगा एल हो गया, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के क्या कर रहे हैं आपको, फ्रिक्वेंसी को हाफ कर रहे हैं, तो इसमें करंट कैसा होगा, डबल हो जाएगा। यानी कि फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, जितने गुना फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, यानी कि 2 times आप डिक्रीज करा रहे हैं फ्रिक्वेंसी को, ऐसा बोल सकते हैं, तो करंट 2 times इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डबल, तो वी डबल्ड, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, सभी को आ गया समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन अब देखते हैं। इसके बाद छठवा क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, छठवें क्वेश्चन में देखें, इसमें बोला है 10 poles 25 hertz अल्टरनेटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू इट्स ड्राइवन बाय द 60 hertz, ठीक है, 60 hertz से लगाए सिंक्रोनस मोटर देन द नंबर ऑफ द पोल्स इन ए सिंक्रोनस मोटर आर। तो देखिए अल्टरनेटर है ये आपका रोटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्टेटर वाला पार्ट है, ये आपकी डायरेक्टली कपल्ड है, आपको इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी गई है 25 hertz और यहाँ पे दे दिए गए आपको 10 poles। इसी प्रकार से आपको जो रोटर है इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी 60, लेकिन इसमें पोल्स हमें फाइंड करना है। तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि भाई ns इक्वल्स टू आपका होता है 120 f/p, यानी कि अगर ये दोनों की स्पीड बराबर है, क्योंकि दोनों आप देखेंगे ड्राइवन है ना, डायरेक्टली कपल्ड है, यानी कि f1/p1 f2/p2, आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि f1/f2 ऐसे करके करेंगे, तो देखिए आप इसमें वैल्यू रखें तो कितना आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए पहले आपको दिया है 10 poles और 25 hertz, तो आपका हो गया 25/10, ठीक है, 1 minute, 25/10 इक्वस टू, ठीक है। फिर आपको फ्रिक्वेंसी कितनी है, पोल्स के साथ ले लिया हमने, फिर फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, तो आपको P2 यानी कि दूसरा आपको पोल्स निकालना है, तो आपको हो गया 600 और 600/25, तो 600/25 करेंगे तो आएगा आपको 24, यानी कि 24 poles आपके हो जाएंगे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए व्हेन द ऐसा इसमें बी हो गया थे ना। अगला बोला है व्हेन द सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड द एफिशिएंसी विल बी। देखिए जब भी मैक्सिमम पावर टू द लोड होता है, आर एल इक्वस टू क्या हो जाता है आपका, RTH। जब आर एल इक्वस टू RTH हो जाता है, इसके केस में कितना होता है, 50%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, 50% इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये सभी को बहुत अच्छे से आ भी जाना चाहिए सही बच्चों को। तो देखेंगे हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इसमें बोला है इन ए मैक्सवेल ब्रिज, देखिए मैक्सवेल ब्रिज पूछा गया है, मैक्सवेल ब्रिज दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, और RX LX की वैल्यू इसमें आपको निकालना है। तो आपको देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा, RX इक्वस टू हो जाएगा R2 R3 अपॉन R4। ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 375 ओम, ठीक है। इसी प्रकार से इंडक्टेंस निकालेंगे, LX इक्वस टू इसका फॉर्मूला होता है R2 R3 और C4। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या R1 है, क्या R2 है, क्या C3 है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए RX LX ये दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका R2, दिस इज़ कॉल्ड R3, ये R2 R3 हो गया, और आपको पता चल गया होगा ये R4 हो जाएगा, और यहाँ पे दिस इज़ C4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे RX और LX दिए गए हैं, ये हमें फाइंड करना है, तो इसके ये बेसिक फार्मूला है जिसके द्वारा आप आसानी से आंसर निकालेंगे, सभी आंसर निकालेंगे। अगर आपका नहीं आते तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएं, वैसे सभी का इसका आंसर आ जाएगा 375 ओम एंड 75 मिली हेनरी, दिस इज़ अ पर्टिकुलर आंसर, ओके। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा, ये पुट कर देंगे, आप पॉज करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए आंसर आपको मैच कर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज 10 ओम एंड द 10 वोल्टेज टर्मिनल फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है दोस्तों, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये वोल्टेज सोर्स जिसका ये 10 वोल्ट का दिया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, इधर पे ये लोड लगा होगा जिसे हम RL बोल देंगे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र बोला है। देखिए मैक्सिमम पावर जब भी ट्रांसफ़र होगी तो RL पूरा RTH के बराबर होगा। जब भी RTH निकालते थे लोड को ओपन कर देते हैं, इसका मतलब आपका यहाँ पे RL की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम के अक्रॉस आ गई। ठीक है, ये भी 10 के बिल्कुल बराबर आ गई और RTH तो 10 है ही, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैक्सिमम पावर। तो पी मैक्स बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन 4 RL। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL कितना है 10, यानी कि 100/40 दैट मीन्स 2.5 वाट, दिस इज आंसर। तो बी टी स्क्वायर अपन 4 RL होता है, यानी कि क्या आ गया आपका 2.5 वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी, एट द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो अगर आप लोड बढ़ाते हो तो डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी आपकी, स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड है ना, आपको बेसिक फार्मूला होता है NS=2, यहाँ पर हम लोग स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी DC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो DC के केस में आपका फार्मूला यहाँ पे होता है EMF, हम लोग निकालते हैं E बराबर phi P N Z अपॉन 60A। आप याद रखेंगे E बराबर होता है phi P N Z अपॉन 60A। स्पीड जो होती है फ्लस्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो फ्लस्क है वो शो कर रहा है आपके लोड को। ठीक है, आप ऐसा याद रख लीजिए कि अगर इसमें लोड बढ़ रहा होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है, और अगर लोड आपका ज़्यादा है तो स्पीड कम हो रही है, लोड कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, द नोड इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज, आपका नोड क्या होता है, नोड इज़ अ जंक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, कोई भी नोड होता है उससे कई सारे एलिमेंट यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप विल बी लीस्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ब्रॉट आयरन एक भारी हो गया, हार्ड स्टील भारी हो गई, सॉफ्ट आयरन जो है ये भी थोड़ा सा इसमें बोला गया है कि ये सॉफ्ट आयरन में तो कमी होता है इसका हिस्टेरेसिस, और जो सिलिकन स्टील है इसका सबसे कम होगा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, इस प्रकार का ये जो डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे बी एच कर्व हम लोग बोलते हैं, बी एच कर्व, ये बी एच कर्व जो है ये शो कर रहा है हिस्टेरेसिस लूप को। तो लीस्ट बोला गया है, सबसे कम किस में होगा, सिलिकन स्टील में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बी में सबसे कम होगा, उसके बाद होगा आपका डी में सॉफ्ट आयरन जो है, उसके बाद आपका होगा हार्ड स्टील सी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा आपका ए, यानी कि सबसे जो अच्छा बड़ा हिस्टेरेसिस लूप बनेगा वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रॉड आयरन में बनेगा। ठीक है, सबसे कम किस में बनेगा आपका, सिलिकन स्टील में, फिर सॉफ्ट आयरन, फिर आपका हार्ड स्टील, देन ब्रॉड आयरन में सबसे अच्छा बनेगा। क्लियर है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, 150 वोल्ट मूविंग आयरन बोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी 1 read 75 वोल्ट यूज इन अ सर्किट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन रीडिंग इज। तो ये कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है, इसकी रीडिंग वगैरह। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग निकालते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा इसकी रीडिंग, इसका मैं एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ईजी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए आपसे बोला है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज रीडिंग, और परसेंटेज रीडिंग आपसे बोला गया, तो इसका बेसिक फार्मूला है जैसे 150 - 75/150। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, आप माइनस करेंगे 1/2, और ये हो जाएगा 75/150, तो आ जाएगा आपको 1/2 मीन्स हो गया 0.5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पीयर टर्न्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ गिवन वैल्यू ऑफ द फ्लास्क इन द एयर गैप विल बी मच ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट बिकॉज। देखिए क्वेश्चन में आपको थ्योरी देखने में लग रहा होगा यार क्या है इस टाइप से, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ईजी तरीके से पूछा गया है। इसमें बोला है कि एम्पीयर टर्न्स जो होते हैं, एम्पीयर टर्न्स मतलब करेंट और नंबर ऑफ टर्न्स, आई और एन है ना, करेंट और नंबर टर्न्स रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, क्यों पड़ती है इनकी आवश्यकता, वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इन द एयर गैप विल बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयरन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, जो आयरन का बना हुआ मैग्नेटिक पार्ट होता है उससे भी अपेक्षा, उससे भी ज़्यादा एम्पियर टर्न्स आपका एक एयर गैप वाले पार्ट में ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए
क्योंकि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि जो एयर गैप होता है ना, एयर गैप होता है, ठीक है, जो अब एयर गैप वाला पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस का ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा, आयरन पार्ट की अपेक्षा एयर गैप ज़्यादा होता है, ठीक है, ये लगभग डेढ़ गुना होता है, आपको ये भी याद रखना, 1.5 एम्पीडेंस इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस फ्लस्क, ठीक है, आपसे ये बोला गया है, तो ठीक है मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ल्यूमिनस फ्लस्क, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ल्यूमिनस फ्लस्क बोला है, ल्यूमिनस फ्लस्क जो यूनिट होती है ये होती है आपकी ल्यूमेन की, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कैंडल किसकी होती है, कैंडेला, ये होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लस्क होता है इल्यूमिनस, ठीक है। स्टेरेडियन आपको पता है एंगल की होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ल्यूमेन, दिस इज आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट है इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर द कॉन्फ़िगरेशन विच विल गिव बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। देखिए आपको मैंने इसका BJT का एक इसका लेक्चर 1 डाला है जिसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में इसमें बताए हुए हैं, और अभी मैं लेक्चर्स इसके देने वाला हूँ आपको। दिस इज़ कॉल्ड अ एमिटर, दिस इज़ कॉल्ड अ बेस एंड दिस इज़ कॉल्ड अ कलेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैंगे, अगर एम्पलीफिकेशन में से काम कराना है इस प्रकार से करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स में करते हैं, इतनी बात आपको पता है। अब इसमें बोला है वोल्टेज गेन करंट गेन किस में आता है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए PVI। तो देखिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन होता है आपका बेस में, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन किस में होगा आपका, बेस में सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन होगा। सबसे ज़्यादा करंट गेन किस में होगा, कलेक्टर में होगा, ठीक है, कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा करंट गेन। सबसे ज़्यादा पावर गेन किस में होगा, एमीटर में। देखिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए P=V×I, तो एमीटर में पावर आ गया आपका, बेस में वोल्टेज आ गया और कलेक्टर में करंट आ गया। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी, एमीटर में। अब इसमें बोला दोनों किस में ज़्यादा होंगे, तो दोनों होंगे आपके, क्योंकि पी पावर में तो वोल्टेज करंट दोनों आ गया, यानी कि एमीटर कॉमन एमीटर में दोनों ज़्यादा होंगे, ठीक है। और सिर्फ वोल्टेज गेन पूछता तो बेस लगाते, सिर्फ करंट गेन पूछता तो करंट, और पावर गेन लिखा रहता तो एमीटर, लेकिन वोल्टेज और करंट गेन दोनों ही यानी कि पावर की बात ही कर रहे हैं, दोनों आ गए, तो ये हो गया आपका एमीटर, दिस इज़ करेक्ट, यानी कि कॉमन एमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये इतने, ये जो क्वेश्चन कराए मैंने अभी 16 क्वेश्चंस कराए, ये 16 क्वेश्चंस में 16 कॉन्सेप्ट है ये मान लीजिए, तो अगर आप ये 16 कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा लेते तो डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में आपको 16 नहीं तो 10 क्वेश्चंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट के आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के पेपर में रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें जितना कर पाए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको डिटेल में दिया, बताया, समझाया, इसे आप अच्छे से कवर कर लें, ओके। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।